तेजी से उभारा गया। इसके उभारने और आगे बढ़ाने में जहां दूसरों का दखल है, वहीं अपनों की बेशौरी और उजलन पसंदी और गलत हिकमत अमली भी अमली का भी दखल। नीयत अच्छी होंगी खुलूस के साथ ही सही, लेकिन मौजूदा हालात में मिल्लत को जिन मजहबी उमूर में घेर कर इन्हें आइसोलेट करने और इन चीजों का को बढ़ावा देकर इस्लाम और मुसलमानों को दुखियानुसी फरसूदा और मजहब के नाम पर जुनूनी इस तरह के इल्जाम देने के लिए मजीद हवा दी जा रही है। वो जो चाहते हैं गैर शोरी तौर पर बाज जगहों पर पुरजोर एहतजाजात ने भी इसको मजीद जल्दी पर तेल का काम किया। यह अलग बात है कि इस शर के अंदर अल्लाह ताला ने खैर का पहलू भी रखा। उस खैर के पहलू में सबसे बड़ा पहलू यह है कि जो मसला एक मुकाम से शुरू हुआ उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज से शुरू हुआ, वो मसला पूरी रियासत पूरा मुल्क बल्कि पूरे आलम का आज मौजूद बना हुआ है। हर एक इसको जानना चाह रहा है कि हिजाब है क्या और हिजाब का ताल्लुक मुसलमानों से क्या है, आखिर कुरान मजीद की क्या तालीमात है जो इस्लाम का सरचश्मा है, इस्लाम को पेश करता है। और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोल मॉडल है उनकी क्या तालीमात है। ये एक खैर का पहलू है जो अदालत की प्रोसीडिंग्स और हजारों करोड़ों मीडिया सोर्सेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, रीजनल और नेशनल और इंटरनेशनल के जरिए से हर बच्चे बच्चे को, हर बड़े छोटे को हिजाब क्या है मालूम हो रहा। दूसरा खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निस्त ताकत ये अपनी जगह वाकिया है कि हमारी आधी ताकत हमारी खवाती है, जिसकी जिस ताकत को जिस कुव्वत को हमने अब तक नजरअंदाज किया था, उस इंसानी वसायल को उनकी ईमानी जुर्रत और हरारत को उनकी तालीम और उनके टैलेंट्स को इस्लाम और इस्लाम की नुमाइंदगी के लिए हमने बड़े पैमाने पर इज्तमाही तौर पर अभी तक उस तरफ तवज्जो नहीं दी, लेकिन इंफरादी तौर पर कुछ मुजाहरे ऐसे सामने आए जिससे यह मैसेज गया कि मुसलमान लड़कियां कॉलेज तो छोड़ सकती हैं, हिजाब को नहीं छोड़ सकती। वो जय श्री राम के नारों के बीच में अपने आप को किसी का शिकार बनते हुए देखकर अल्लाह अकबर की सदाएं लगाकर अपने मोमिन और मुस्लिम होने का ऐलान और इजहार करती, दुनिया हैरान है उस क्लिप को देखकर, परेशान है कि इस सिंफ नाजुक के अंदर
सैकड़ों नौजवान जब उसे घेर लेते हैं तो आखिर वो कैसी कुव्वत है, वो क्या ताकत है जो एक कमजोर औरत को एकाओ तन्हा हिजाब निकालने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। और वो जब जब अपने आप को तन्हा पाती है अल्लाह अकबर के नाम के जरिए से हिम्मत और हौसला बांधकर आगे बढ़ती है। यह जो मजहब का अटैचमेंट है, यह जो ईमान के असरात हैं, यह अलग बात है कि हमारी दीनी तालीम कम है, यह अलग बात है कि हमारी नई नस्ल की जैसी तरबियत होना चाहिए वो नहीं है। बावजूद इल्मी और अमली कमजोरी के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों ने आने वाले दरपेश चैलेंजेस में उन्होंने यह बता दिया कि हम जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, हम जिएंगे इस मुल्क में तो ईमान और इस्लाम के साथ जिएंगे और हम अपनी तालीम जारी रखेंगे तो इस्लामी अवतार और इस्लामी अहकाम और हिजाब के साथ जारी रखेंगे। आज दुनिया को उन वाकियात के जरिए से दुनिया मुतवज्जे तो हुई है लेकिन उसे बताने की जरूरत है कि यह किसी के मुकाबले में नहीं है। या ये उडुपी का महीना डेढ़ महीने पहले का मसला नहीं है, या ये पैदा किया गया मसला नहीं है, ये आज और कल का मसला नहीं, ये इतना ही पुराना मसला है जितना पुराना खुदा का दीन इस्लाम, क्योंकि इस्लाम के आवाज से हिजाब का हुक्म दिया गया और पूरी तारीख गवाह है कि मुस्लिम खवातीन इसकी पाबंदी करती रही हैं। और हमारे मुल्क वतन हिंदुस्तान में उस कदर को एहतराम की निगाह से देखा माना गया और बहुत सी गैर मुस्लिम उसकी इत्तबा में घूंघट ओढ़ती हैं, पल्लो ओढ़ती हैं, ओढ़नी ओढ़ती हैं और मुख्तलिफ शक्लों में बाहया लिबास पहनती। मोहतरम हजरात, मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि हिजाब का हुक्म सबसे पहले सूरह अहज़ाब में 5 हिजरी में मदीने में आया और 6 हिजरी में पर्दे के मुकम्मल अहकाम एज ए कोड ऑफ कंडक्ट सूरह नूर में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दिए। इससे पहले हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और खवातीन सामने से आती और जाती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह मशवरा दिया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, अच्छा नहीं मालूम हो रहा ये औरतें आगे पीछे फिर रही हैं, अभी पर्दे का हुक्म नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं जो स्प्रिट हिजाब की है वो ऐन फितरी स्प्रिट है जिस माशरे को जरूरत थी और जो बाहया माशरा इस्लाम पैदा करना चाहता है उसके अहले ईमान पर्दे के अहकाम आने से पहले उसकी खुशबू को महसूस करा रहे थे और वो कराने वाले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे जिनका फहमे दीन इतना ऊंचा था कि आपके फहमे दीन की तारीफ करते हुए अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर रजी अल्लाह और आपके ऐन मशवरे के मुताबिक
हुआ है जिसमें कहा गया वैजा सांतो मतान फसलो गुन्ना मिन वराज हिजाब जारी का अखर लिखुलो भी कुम व कुलो भी गिन्ना। यह आयत का टुकड़ा है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। कहा जा रहा है इस आयत का आगाज होता है या निसा इन नबी ए नबियों के घर वालियों नबी की घर वालियों नबी की बीवियों वहां से आयत का आगाज होता है। किताब है नबी के घर वालियों से चैरिटी बिगिन से कौन पहले हिदायत और तालीम और तरबियत का आगाज नबी के घर और नबी की बीवियों से हो रहा है और आयत खिताबी कर रही है या निसा अन नबी ऐ नबी की बीवियों सुनो जब तुमसे कोई चीज मांगने के लिए कोई आए मर्द आदमी इस मांगने में चीज भी मांगना हो सकता है। उम्महातुल मोमिनीन चूंकि अज़वाजे मुतहरात चूंकि उम्महातुल मोमिनीन भी है लेकिन कहा गया इनसे शादी हराम है और इनसे भी कोई चीज तुम जानना चाह रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों से मुताल्लिक तन्हाई से मुताल्लिक तखलिये से मुताल्लिक खवातीन के मसाइल से मुताल्लिक शोहर और बीवी के ताल्लुकात से मुताल्लिक तो तुम मेरी बीवियों से और तुम्हारी माओं से पूछो। लेकिन कैसे पूछो मैं वराइल हिजाब पर्दे के पीछे से पूछो जालिका अत करो कुलू बिकुम व कुलू बिगिन्ना। यह ज्यादा पाकीज़ा तर तरीका है तुम्हारे दिलों के लिए और उनके दिलों के लिए। क्या बात सहाबा से बात कही जा रही है उम्महातुल मोमिनीन और अज़वाजे मुतहरात से कही जा रही है। मुफस्सिरीन ने लिखा है ज़ाहिर है सहाबा भी मर्द थे ज़ाहिर है उम्महातुल मोमिनीन भी औरतें थी उनके भी जज्बात थे इसलिए उन्हें भी उसूल दिए गए अहकाम दिए। हदीस में आता है इसी आयत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह आयत हिजाब और यह आयत नाज़िल होने के बाद मदीने नाज़िल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के कमरों पर पर्दे लटका दिए। दुनिया में पहली मर्तबा पर्दों का रिवाज सूरह अहज़ाब की इस आयत हिजाब से जिसमें पर्दा भी है जिसमें जीनत भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों पर पर्दे देखकर पूरे मुसलमान अपने घरों के दरवाजों पर पर्दे लगाए। ये है वो पर्दे का माशरा महिला और बस्ती जो इस्लाम इन आयात और इन अहकाम के नतीजे में तश्कील देना चाहता है। फिर वाकिया इत्तिफाक के पस मंजर में सूरह नूर नाजिल होती है। वाकिया इत्तिफाक यानी अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर जो तोहमत लगाई गई उसके कई दिनों के बाद इंतजार के बाद आपका मुतअल्लिक ऐलान बरात आता है। उस ऐलान बरात के बाद इस तरह के तोहमतें न लगें एक दूसरे पर उसके लिए पूरा कंप्लीट 6 हिजरी में सूरह नूर में पूरे पर्दे के कोडिफिकेशन पूरे लॉस खवानी और पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया। अल्लामा फर्राही जो बड़े कुरान के माहिर उस्ताद गुजरे हैं रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सूरह अहज़ाब घर के अंदर पर्दे के अहकाम हैं और सूरह नूर घर के बाहर के अंदर के पर्दे के
सिर्फ मुहर्रिम आ सकता है और फिर मुहर्रिम की लिस्ट दी गई वही मुहर्रिम होगा। मुहर्रिम की यह तारीख कि जिससे कभी भी शादी मुमकिन है, निकाह मुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल साली है, जब तक बीवी है हम साली से गोशा नहीं करते, उसको बहन समझते, बेशक बहन की तरबियत है लेकिन बगन नहीं है, साली है। बीवी का इंतकाल हो गया तो क्या पॉसिबिलिटीज नहीं है साली से शादी बनेंगे? तो जिस जिस से शादी के नाना निकाह के नाना है उससे गोशा गैर मुस्लिमों के साथ रह गए, साली को बातों बिठा ले रही सास से गोशा करें, सास मां की तरह है, उससे शादी हराम है, कभी भी नहीं हो सकती। दामाद बेटे की तरह है, उससे सास की शादी नहीं हो सकती, इसलिए गोशा नहीं है। पुराने औरतें गोशा करते थे, अब थोड़ा मालूम हो रहा है, लेकिन अभी भी तकल्लुफ करके नहीं करना चाहिए, बेटे की तरह बात करना चाहिए, लेकिन साली से गोशा है मां तकल्लुफ नहीं। तो बताया गया मुहर्रिम कौन है, ना मुहर्रिम कौन है। फिर कहा गया घर में मुहर्रिम है, बाप है बेटा है, तो ये अहकाम दिए गए कि तुम अपनी नजरों को नीचे रखो। ये घर के अंदर के अहकाम है, आप हाईवे पे नजरें नीचे रखे तो एक्सीडेंट हो जाते। तो अल्लामा फराही रहमतुल्लाह अलैह बोलते सूरह एहसान में घर के अंदर का पर्दा होता है, अरे बाप तू अपनी नजरों को नीचा रख जब आप बेटी को देखते हो, अरे जवान बेटे तू मां के ऊपर नजर डालते हुए अपनी नजरों को नीचे रख। ये है काम घर के अंदर पड़ते गए, अरे जवान बेटी तुम घर में रहते हुए पूरी तरह से तुम सतर्क उठान लो, बाप के सामने भी बेटे के सामने भी भाई के सामने भी, अपने सीने पर एक और कपड़ा डालो और अपनी जीनत को न बताओ, जो कुछ जाहिर हो जाए उससे जितनी एहतियात कर सकती हो ये घर के अंदर है। घर के बाहर का अहकाम सूरह नूर में पर्दा, जब तुम घर से बाहर निकलो वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, पूरी तरह पर्दे में रहो, सिर्फ सतर, सतर क्या है औरत की, सिर्फ आंख और उसके नीचे का हिस्सा है, पेशानी बाल सब सतर है और इतना कलाई तक का हिस्सा, यानी इसको छोड़कर पूरा जिस्म सतर है औरत का। आप जो हिजाब कर रहे हैं, हिजाब कर रहे बालों को छुपाना निशाने से, पहले भी ऐसे था, पहले सिलाते थे नहीं, पूरी चादर ऐसे ऊपर से पढ़ लेते थे यहां से। फिर क्या करो, अगर कोई मर्द से बात करने का साबेसा पड़े तो खरी खरी बात करो, लोजदार बात ना करो, कहीं सामने वाला कोई तुमसे तवक्के न रख ले। एक हदीस में है हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल मरा औरा, औरत छुपाने की चीज है, औरत के माने ही छुपाना है, मरा बोलते हैं मरा औरत। हदीस का आगाज होता है इन्नल मरा तो औरा, औरत मुस्तवीर करने छुपा देने पर्दे में रखने की चीज है। फिर आगे कहा गया जब कोई औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसके ताक में लगा होता है, जिस तरह बिल्ली चूहे के खाद में बैठी रहती है इसी तरह शैतान जब कोई औरत बाहर निकलती है घर से तो उसके खाद में और ताक में लगा रहता है, उसी
नबी इसमें आगे गए, उस औरत वो औरत अल्लाह की रहमत से उसी वक्त खरीद कर रहती है जबकि वो घर में रहती है। एक मरतबा हजरत उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला बैठी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, एक सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रजी अल्लाह तआला हालात ये हैं, इससे ज्यादा सख्त आ सकते हैं। अपने नौजवान
सुन रहे हैं अपनी बेटियों और बच्चियों तक ये बात पहुंचा दो, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई रोके भी तो रोने की जरूरत नहीं है। इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही खालिक रहोगे अगर तुम मोमिन हो। यहां मोमिन कहा गया है, मुसलमान तो सब है, मुसलमान बोले तो झूठ जाने की जरूरत नहीं। नस्ली हमारे अब्बा मुसलमान थे, हम मोमिन बनना है, हम ईमान वाले बनना है, अगर बने तो डर की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम करने, यानी इन हालात में इस्लाम की दावत और अपने मौकफ की हकानियत को सलीके के साथ पेश करना। बच्चियां अल्लाह अकबर तो बोल रही, अच्छी बात है, लेकिन क्या बच्चियां हमारे काबिल हैं कि हम लोग इजाजत दे दें? ऐसा सूरह एहसास की आयत नंबर 53 में आया और सूरह नूर की आयत नंबर 30 और 31 में आया। ऐसा बोलना जो कुरान के अहकाम है, जैसा नमाज रोजा फर्ज है वैसा हिजाब हमारे फर्ज है। ये खाली उर्दी का मसला नहीं है, ये मसला सदियों पुराना है और हम इसके साथ ही जिंदा रहेंगे और इसके बगैर हम मुसलमान बाकी नहीं रह सकते। हम बाहया हैं, हम बाहया माशरा पैदा करना चाहते हैं। यूरोप और अमेरिका बारूद के ढेर पर हैं बेहयाई की वजह से। हम हमारे मुल्क को इस बेहयाई और इस तबाही से बचाना चाहते हैं। ये है वो काम अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का, जो हमें करना है। कैसा करना? बच्चियां रोके तो एक तरफ जमा हो जाओ, रोना नहीं, जबरदस्ती नहीं करना, भैया और जी अब्बा और जी पलाना नहीं, गड़बड़ नहीं करना, सब बच्चियां पालो अलग अलग। ज्यादा होते जमा हो गए खुद ही डर जाते, मीडिया वाले है, एक बच्ची आगे बढ़ते सलीके से अपना मुंह। फिर इस सिलसिले में ड्रॉप देते हुए बच्चियों को छोड़ते हुए मौजूदा हालात में हम ऑटो में भेज के या उनको जाने मत दिए। आप अपने भाई होने के नाते, बाप होने के नाते, एज ए पेरेंट आप खुद जाए कॉलेज को, जाकर आप छोड़े दरवाजे पर, रोड पर अगर कोई पुलिस वाला या प्रिंसिपल रोक रहे हैं तो उन्हें बताएं कि ये तरीका नहीं है मैडम, आप क्लास रूम में नहीं आने का है, आप कॉलेज के इहाते के अंदर बिल्डिंग में जाने दें, फिर वहां आपको रूम बताएं जहां हिजाब निकालने का या लड़कियों के ड्रेस चेंज करने का स्पेशल रूम होता है, या औरतों को रोड पर क्या तमाशा करें। अगर आप बात बिल्कुल मामूल है, कानूनी है, मंतिकी है, साबित कर सकते हैं। ठहरे 10-15 मिनट, मैं बाशऊर नौजवानों से और बाशऊर नमाज पढ़ने वालों से कहना चाहूंगा, कुछ रिटायर्ड लोगों से बुरा मत मानिए, दूसरे भी हमारे साथ रहें। बारी बारी से हर डिग्री कॉलेज, हर पीयू कॉलेज को दो दो की टीम बनाकर थोड़ी थोड़ी देर आप वहां ठहरने का लगन करें। इसलिए नहीं कि हमें कानून हाथ में लेना, इसलिए कि हालात से बातें करना। अंदर क्या भी नहीं होता, पूरे कॉलेज बाहर हैं, जवान बच्चियां बाहर जा रही हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ब्रिम्स है, नर्सिंग है, फर्स्ट ग्रेड है, आप जाइए, मैं बाप मैं भाई हूं, कोई मॉरल पुलिस नहीं हूं दूसरों की तरह, और आप कुछ एहतजाज करने जाओगे कि मैं नहीं सिखा रहा, मुकाबले करो ढोंडे तरीके से बोल के नहीं सिखा रहा, तंजीमा वालों को लिख जाओ बोल के नहीं सिखा रहा, क्यों? आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, तो कुर्बानी देना होगा, दुकान लेट खोलना होगा, नौकरी को रुख्सत डालना होगा, इन हालात में साथ जाना होगा ताकि आपके जाने से जो अखलाकी दबाव पड़ेगा और बच्ची के और बेटी और बहन पे जो उसकी हिम्मतें और जुरतें मजबूत होंगी वो हजार तकलीफों से नहीं हो सकती। फिर वक्त को रखा है, इस सब की असल चीज नफरत फैलाना है तो हम खिदमत का तरीका इख्तियार करें।
पानी पिलाएं, लोगों की खिदमत करें, वहां पर अच्छे पेरेंट का तारुफ हो आपका। मुसलमान पेरेंट में लड़ता रहे हो तो रुकरमन भी आ गया, ऐसा बोले कई कभी तुम गालियां देता था ना, पढ़ाई से पूछता ना नाच पूछता, खाली गालियां देना ऐसा बदनाम है। अच्छे होंगे हम सुनने करते होंगे तो आप अच्छा तारुफ करो, प्रिंसिपल को अपने कॉन्फिडेंस के लिए। मेरे स्टूडेंट ने मैं एडमिशन करा रहा हूं, मेरे पूरे बच्चियां यहां पढ़ेंगे, आप कुछ मसला था आप मुझे बोलिए, आपका नंबर दीजिए, मेरा नंबर दीजिए, इस तरह के आदान पढ़ना है। ये हमारा कॉलेज है। खिदमत का मसला ऐसा है हमारे को, आज बेटा बाप की खिदमत नहीं कर रहा, पड़ोसियों की, गैर मुस्लिमों की, पुलिस वालों की और मॉरल पुलिस की और मीडिया की खिदमत कर बोले समझ में आता है, सबको दुश्मना समझते। एक बात ढंग की सलीके की कैमरे वालों के सामने नहीं बोल सकते, अच्छी कन्नड़ बोलो, इंग्लिश बोलो, संस्कृत बोलो, नहीं बोल रहा हूं आपको, जो आती हो बच्चिया जैसा बोले उतना तो बोलो। फिर इस सिलसिले में मसाइल जारी रखना पॉलिसी है, कोशिश भी जारी रहेगी। ये दुनिया मोमिन के लिए सुकून से बैठने की जगह नहीं है, यही हमारे लिए हिंदुस्तान में जहाद अकबर है और इसका सामना करना होगा इंशाअल्लाह पूरी जुरतमंदी के साथ, खुदा एतमादी, खुद एतमादी के साथ, अपनी मजबूती ईमान के साथ। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम सिर्फ हमारे इस्लाम ही को नहीं बचा देंगे बल्कि हम एक ऐसा किरदार पेश करेंगे जिसकी तरफ इंसानियत आएगी। इसके लिए हिकमत चाहिए, जुरत चाहिए, दानिशमंदी चाहिए, बेवकूफी और गोंडापन सर झुकाने का मसला नहीं है। मुकाबले के लिए इल्म चाहिए, कानूनी मालूमात चाहिए और सियासी ताकत चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस हिजाब रो में मैं रोजाना डे टू डे पूरी रियासत के सिर्फ हालात नहीं बल्कि पूरी तंजीमों से वाकिफ हूं। सियासी लोग मुसलमान पूरे जाके चीफ मिनिस्टर से मिले, मजहबी उलमा पूरे जाके चीफ मिनिस्टर से मिले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजहबी कियादत, सियासी कियादत बेदार है, मायूसी में कुछ भी नहीं बोलना, उन्होंने क्या कर रही, इन्हों क्या कर रही, ऐसे नेगेटिव सुनते हैं हमको, जो भी कर रही मौजूदा हालात में हिम्मत के साथ, मसलहत के साथ कर रही। और बिरादरान वतन की भी बड़ी तादाद हमारे साथ है, आज आर्गुमेंट करने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिटायर्ड जस्टिस कामत हैं, जिनको धमकियां दिए गए तो भी उन्होंने पर रिमाइंड कर, रवि कुमार है कैसा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, दूसरे कर सके क्या। एक और मुसलमान साहब का नाम आया, उन्होंने आके उनके सामने कुछ भी नहीं कर सके, जब उनको मौका दे रहा उनको नहीं दे रहा, तो बोलने का मतलब अली मई मेरा अल्लाह है मत बोलो, बेशक अल्लाह है हम भी हैं, अल्लाह के बंदे और अल्लाह का इंतजाम भी है कि अल्लाह अपने दीन को और अपने मानने वालों को ऐसे राहें निकालता है जहां हमारा गुमान भी है, तो उनकी भी कदर करना। दलित में, एनजीओस में, कई तंजीमें हैं। मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपसे आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, कुछ है तो आप पंपलेट तैयार कीजिए, बुकला हजरात हैं यहां पर जाइए उनकी मदद लीजिए, इंडिविजुअल कॉम्प्लेंट्स लॉन्च कीजिए, उसकी रिसिप्ट रखिए, उसकी फाइल रखिए, कोई कुछ आप ये कर रहा है सलीके से बात कीजिए, फोटोग्राफी कीजिए, ये सारे एविडेंस को आप जमा कीजिए ताकि वक्त जरूरत काम आए। फिर मैं उस आयत पर अपनी बात खत्म करता हूं, वला तहिनू वला तहज़नू वअंतुम अलअऊना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मुसलमानों तुम इन हंगामों से डरो न को, न बच्चों को डराओ न बच्चियों को डराओ, अफसुरदा मत हो गए हो, तुम ही गालिब रहोगे, शर्त यह है कि तुम ईमान और इस्लाम को थामे रहो इंशाअल्लाह। वाह।